गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक नोन एज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. वी नो दैट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स एंड एफ ऑर्बिटल्स. फोर टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर देयर. आउट ऑफ दीज फोर टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, फर्स्ट थ्री टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज एस, पी एंड डी, दीज टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर इन सिलेबस एंड वी विल डिस्कस देयर शेप्स नाउ. Number one, the shapes of s orbitals. Very simple line about it, that s orbitals are spherical in shape and non-directional in nature. Shape beta inna di sphere worki hundi hai like ball, and their electron density does not depend upon any direction. That means kisi x, y, z axis to kisi te bhi nahi depend kardi. It is nucleus de surrounding sariyan directions de vich electron density same hundi hai in s orbitals. So these are the shapes of s orbitals. They are just like a sphere, like a ball. This is the shape of 1s orbital, high electron density around the nucleus. In case of 2s orbital, first high electron density around the nucleus, then comes one node, then again come one sphere around it, that is high electron density. So number of nodes of formula ki hai fir. For any orbital, you can find number of nodes by using formula n minus l minus 1. Where n is principal quantum number and l is angular quantum number. N di te l di value put karke kise di hai number of nodes put we can calculate. For example, in 2s orbital n 2 l 0, the 2 minus 0 minus 1, one node is there, then diagram also one node is there. In 3s orbital you will see jo bhi isse tarah spherical hai but ode ch ki honge do nodes honge. So therefore s orbitals are spherically symmetrical and non directional in nature. Then comes shapes of p orbitals. P orbitals shape wise ki hai beta, p orbitals are dumbbell in shape and directional in nature. Shape inna di ki hai dumbbell vargi, jada aap exercise karde hain dumbbell hunda hai us tarah di shapes hundi hai inna di. So they are dumbbell in shape and directional in nature da matlab ki inna di electron density x y z axis da direction te depend kardi hai. कि सारिया डायरेक्शन सेम नहीं होंगी बल्कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो बाकिया जीरो. तो दे आर डंबल इन शेप एंड डायरेक्शनल नेचर एंड यू नो दैट ईच पी सब शैल कंटेन्स थ्री ऑर्बिटल्स. फॉर एग्जाम्पल टू पी है तो वो की होंगे तीन ऑर्बिटल्स होंगे. तो तीन तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स, दैट इज टू पी एक्स, टू पी वाई एंड टू पी जेड. कि जिन्हें ऑर्बिटल्स होंगे किसी सब शैल चाहिए उन्निया ही टाइप्स होगी. तो पी सब शैल कंटेन्स थ्री ऑर्बिटल्स. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स, केड़े केड़े होंगे, टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जेड. तो शेप्स ऑफ दीज पी ऑर्बिटल्स, दीज आर अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स, दैट जस्ट यू हैव टू मेक दस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तिना का बना लो एक्सिस के अकॉर्डिंग. तो शेप्स के विच की बेटा, इन केस ऑफ टू पी एक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई अराउंड एक्स एक्सिस, कि जो डंबल बनाना है वो एक्स एक्सिस से बनाना है. वो एक लोब पॉजिटिव वाई एक्सिस से, तो दूसरी नैगेटिव वाई एक्सिस से. सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जीरो होंगी है, नोड लाइंग एट द न्यूक्लियस. पी वाई की होगा डंबल अलोंग वाई एक्सिस एंड पी जेड दे विच की होगा डंबल अलोंग जेड एक्सिस. तो दीज आर द शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स. देन कम्स शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स. तो डी ऑर्बिटल्स दीज आर डबल डंबल इन शेप. जिवें पी ऑर्बिटल दे विच सिंगल डंबल सी, तो डी ऑर्बिटल की शेप्स के डबल डंबल होंगे. दे आर डबल डंबल इन शेप एंड डायरेक्शनल नेचर. इन्हों की शेप भी जी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डायरेक्शन से डिपेंड करती है, एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी. सो सिंस डी सब शैल कंटेन्स फाइव ऑर्बिटल्स, एक डी सब शैल के किन्ने होंगे फाइव ऑर्बिटल्स, सो दीज आर ऑफ फाइव टाइप्स. तो पहला डी ऑर्बिटल दी टाइप्स देखो, ये फाइव टाइप्स के होंगे. डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर. Five types of d orbitals. Then going with their shapes. So going with the shapes of d orbital, simple method you have to follow, 3+2 method. Okay, first three diagrams you will make for dxy, yz, zx, and then two separate diagram for dx square minus y square and dz square. So first of all we will go with the first three, dxy, yz and zx. In this what you have to do, you have to make coordinates of three axes, x, y, z, x, y, z, x, y, z. Axis banao, phir tinna ch ki karna hai, ek ek dumbbell same directions. This one here, this one here, this one here. Etho tak common ho gaye tinno?
एक्सवाई जेड एक्सिस भी सेम है तो एक एक डंबल भी लैफ्ट डायरेक्शन सेम हो गया तो दूसरा दूसरा डंबल तुम इन्हें किमें बना बेटा सी का नेम डी एक्स वाई तो सैकेंड डंबल कितने बना बिटवीन एक्स एंड वाई वन लोब हेयर एंड वन लोब अपोजिट डी वाई जैड वाई जैड की करना है दूसरा डंबल कि बना वाई तो जैड एक डंबल की लोब इधर तो दूसरी अपोजिट सिमिलरली डी जैड एक्स आ पाया एक्स एक्सिस तो आ पी जैड एक्सिस तो दूसरी लोब कितने आऊगी लाइक दिस बिटवीन एक्स एंड जैड एक इधर तो दिस इज हाउ टू मेक द फर्स्ट थ्री ऑर्बिटल डी एक्स वाई जैड एंड जैड एक्स फिर बचे लास्ट दो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जैड स्क्वेयर ये बड़ी सिंपल है बेटा स्क्वेयर वाले की याद रखना है कि जेड़ा एक्सिस का स्क्वेयर दिता है उस एक्सिस के उपर डंबल बना डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की होगा वन डंबल अलोंग एक्स एक्सिस एंड सैकेंड डंबल अलोंग वाई एक्सिस ठीक है स्क्वेयर का मतलब एक्सिस के उपर होगा बिल्कुल अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो लास्ट वाला की है डी जैड स्क्वेयर की है एक ही है कला जैड स्क्वेयर तो डंबल ये एक ही होगा दैट इज़ अलोंग द जैड एक्सिस के उपर एक पॉजिटिव जैड तो नैगेटिव जैड एक्सिस एक एक लोब डंबल अलोंग द जैड एक्सिस नाल ये दूसरा डंबल नहीं होंगे डंबल की बजाय की होंगे कि देर इज़ ए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग सराउंडिंग द न्यूकलियस इन द एक्स वाई प्लेन जेड़ा डंबल है वह जैड एक्सिस से होगा तो जेड़ा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग है वो ये परपेंडिकुलर की होगा एक्स वाई प्लेन क्लीयर तो दिस इज ऑल अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू